दुमका में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। खासकर स्कूल जाने वाले छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि स्कूलों में पानी भर चुका है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं पर क्लासों में जलभराव होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लगातार वर्षा हो रही है, हम लोग भी स्कूल आए हैं, इस कक्षा में पानी भर गया, बहुत बच्चे हैं, हम लोग बहुत दिक्कत हो रही है। भारी बारिश होने के चलते स्कूल में पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। 6th क्लास 8th क्लास ऑफिस पानी से भरा हुआ, खींची जहाँ खाना बनता है वह भी पानी से भर गया है, क्योंकि परियोजना के तरफ से नाला जाम हो चुका है, जिससे कि विद्यालय में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रहा है, बच्चे लोगों को भी। इसी अवस्था में हम लोग एग्जाम भी ले रहे हैं। फिलहाल इस बारिश ने दुमका के लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।